हाँ जी बेटा, सत श्री अकाल जी सारिया। कल असी SST का एक लैसन किया, अज असी अगला लैसन कर जा रहे हैं। उस तरह कोशिश यह है कि तुहानू घर बैठे तुसी इस तरह अपनी रिविजन करते रहो, तो कि जब भी साढ़े पेपर होणगे सानू किसी किस्म की कोई उहदे विच मुश्किल ना हो, कोई दिक्कत ना हो। शुरू करते हैं अज का लैसन। कुदरती बनस्पति जीव जंतु और मिट्टियां, सब तो पहला क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर एक है, जंगल और बनस्पति जात विच की अंतर है? जंगल ते बनस्पति जात दे विच, जंगल जंगल वो वड्डा खेतर हुंदा है जो रुख पौद्या अते कंडियालियां झाड़ियां नाल संघने रूप विच घिरिया हुंदा है। बनस्पति बनस्पति जात विच किसे निश्चित समय निश्चित खेतर विच उगण वाले पौधे शामिल हुंदे हैं। ठीक है जी, बनस्पति की है, बनस्पति जात विच किसी निश्चित समय विच निश्चित खेतर विच उगण वाले पौधे हुंदे हन। इहनू क्लीयर करना, बार बार पढ़न दे तुहानू इहदी समझ लग जाणी है। प्रश्न नंबर दो है, भारतीय बनस्पति विच विदेशी बनस्पति की मात्रा किन्नी है? भारतीय बनस्पति विच विदेशी बनस्पति की मात्रा हैगी है जिहड़ी, उह 40% है। प्रश्न नंबर तीन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बंगाल की दहशत, बहुत बार ये फाइनल एग्जाम के आ जाता प्रश्न, यह बहुत महत्वपूर्ण है। किस बनस्पति किस्म नूं कहा जाता है? बंगाल की दहशत या बंगाल का डर, जल हायासिंथ नाँ का एक पौधा है जी जिसनों बंगाल की दहशत या बंगाल का डर कहा जाता है। प्रश्न नंबर चार, साढ़े देश में संसार के मुकाबले किन्ने प्रतिशत भूमि जंगलों हेठ ढकी हुई है? विश्व में जिहड़ी भूमि जंगलों हेठ है वह 29.5% है, तो साढ़े देश में इसकी मात्रा हैगी है जिहड़ी 22.7% है, 22.7% है। ठीक है, विश्व के इन्नी भूमि ढकी हुई है जंगलों हेठ, और जिहड़ी साढ़े देश के यानी कि भारत के 22.7% है। अगला प्रश्न नंबर पांच, भारत में जंगली खेत्र की खेतरी वंड किस प्रकार नाल हुई है? जंगली खेत्र की खेतरी वंड, तो ये आ जाता साढ़े देश के कुल जंगली खेत्र का 57% हिस्सा जोड़ा वह प्रायद्वीपी पठार 57% हिस्सा प्रायद्वीपी पठार और इस दे नाल लगदियां पर्वत लड़ियां विच घिरिया होया है या पर्वत लड़ियां का बनिया होया है। प्रश्न नंबर छे, देश के सब तो वध ते घट जंगली खेत्र किस राज विच मिलते हैं? सब तो वध ते सब तो घट जंगली खेत्र किस राज विच मिलते हैं? तो सब तो वध जिहड़े जंगली खेत्र है त्रिपुरा। ठीक है, जिहदे विच कुल भूमि का 59.6% हिस्सा जिहड़ा उत्थे जंगलां ने घेरिया होया है। ठीक है, सब तो वध जंगल खेत्र किहड़े राज विच मिलते हैं? त्रिपुरा। तो सब तो घट जंगल खेत्र पंजाब दे विच मिलते हैं, 2.3% है जिहड़ा हिस्सा वह साढ़े पंजाब दे विच जिहड़ा घिरिया होया है। असीं जानते हैं कि पंजाब का बहुता इलाका जिहड़ा मैदानी है, और इत्थे तां ही पंजाब नूं तुसीं जानते हो कि अन्न भंडार कहा जाता, क्योंकि इत्थे फसलां बहुत ज़्यादा होंदियां, क्योंकि सारा इलाका जिहड़ा मैदानी है। यही कारण है कि इत्थे जंगल घट, सब तो घट जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, ज्वारी बनस्पति के दूसरे नाम की हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम के आने वाला। ज्वारी बनस्पति को मैग्रोव दलदली समुद्री किनारे वाली या सुंदर वन के नावों जाना जाता है, इसे याद रखना। सोलह वन किस नूं कहिंदे हन? सोलह वन दक्षणी पठार के पहाड़ी खेतरां विच 1800 मीटर तक की उचाई ते पाए जाने वाले चौड़े पत्तियां वाले सदाबहार वनां नूं की है दक्षणी भारत में सोलह वन कहा जाता है। ठीक है, सोलह वन की है, दक्षणी पठार के पहाड़ी खेतरों 1800 मीटर तक की उचाई से पाए जाने वाले चौड़े पत्तियां वाले सदाबहार वनों नूं की कहिंदे आ? दक्षणी भारत के बोलते हैं सोलह वन। प्रश्न नंबर नौ हैगा, साढ़े देश के दे राष्ट्रीय पशु और पंछी का नाम की है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे पता होगा साढ़े देश का जो राष्ट्रीय पशु है वह शेर है और पंछी मोर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, देश में कि जीवों के खत्म होने का डर है? देश में कि जीवों के खत्म होने का डर है? ये आ जाते हैं बघियाड़, गैंडा, सोन चिड़ी, शेर आदि। ठीक है, बघियाड़, गैंडा, सोन चिड़ी, शेर आदि जेडे इन जीवों के खत्म होने का डर साढ़े देश में है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की परिभाषा दिओ, यह भी बड़ी बार क्वेश्चन है जो एग्जाम के अक्सर आ जाता प्री बोर्ड के, इस बार भी यह क्वेश्चन सीगा, तरातल ते मिलदे हल्के ढिले असंगठ चट्टानी चूरे अते ब्रीक जीव अंशां दे संयुक्त मिश्रण नूं। ठीक है, ये सारिया चीज़ा तरातल ते मिलदे हल्के ढिले असंगठित चट्टानी चूरे अते ब्रीक जीव अंशां दे संयुक्त मिश्रण नूं, इन्हां सारिया दे मिश्रण नूं की है मिट्टी कहा जाता है। हुण इत्थे असीं कई बार की हुंदा मिट्टी की परिभाषा दिओ और मिट्टी किवें बनदी है, इन्हां दे विच असीं की आ सेम आंसर लिख देने, पर मिट्टी किवें बनदी है अलग है, मिट्टी की परिभाषा वो अलग है। मिट्टी किवें बनदी है? मिट्टी मौसमी क्रियावां द्वारा चट्टानां की टुट भज नाल
ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਭੂੜ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭੂੜ ਮਿੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਟਾਅ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਟਾਅ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਣ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਣ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ 0.14 ਹੈਕਟੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0.14 ਹੈਕਟੇਅਰ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਣ ਖੇਤਰ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਣ ਖੇਤਰ ਹਨ? ਆਂਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਣ ਰਾਖਵਾਂ ਖੇਤਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਖੇਤਰ, ਵਣ ਰਾਖਵਾਂ ਖੇਤਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? 1986 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨੀਲਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 1986 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨੀਲਗਿਰੀ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1953 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1953 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਣ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਂਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਥਾਂਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ 68 ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਂਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ 68 ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।